हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिली सोया का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए चिली सोया में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मैं आपको बताती हूँ। चिली सोया के लिए कुछ कटे हुए प्याज, लहसुन और कैप्सिकम चाहिए, और सोयाबीन को मैंने अच्छी तरह गर्म पानी में उबाल लिया है और उसे फिर स्क्वीज करके उसको थोड़ा सा हल्का सा तेल में फ्राई करके रखा है। और सोया सॉस लगेगा, चिली सॉस लगेगा, तेल, वाइट ऑयल एंड आपको नमक लगेगा। और ये आपका कॉर्नफ्लावर, थोड़े से मैंने कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के लगा है जो मुझे इस रेसिपी में लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तेल देते हैं, ये बहुत कम तेल में तैयार कर सकते हैं ये रेसिपी हम। तेल गरम होने से तेल गरम हो चुका है, उसमें सबसे पहले हम कुछ लहसुन के दाने डालेंगे। गैस से हल्का सा लहसुन जब ब्राउन होने लगेगा तो हम उसमें, देखिए लहसुन हल्का सा ब्राउन होने लगा है और उसमें प्याज चॉप, ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, तीन पीस जैसे हो जाएगा। उसके बाद हम कैप्सिकम को डालने के बाद सोयाबीन को ऐड करने के बाद अच्छी तरह हमें मिलाना है। देखिए एक मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे।
पानी उतना ही रखिएगा, जितना ग्रेवी आपको चाहिए होगा उतना ही पानी दीजिएगा। जैसे इसमें उबाल आएगी उसे हम इसमें कॉर्न फ्लोर जो मैंने धुल के रखा है, घोल बनाया है कॉर्न फ्लोर का, उसे हमें ऐड करना है। फ्रेंड्स देखिए सोयाबीन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न फ्लोर का जो घोल बना के रखा है उसे ऐड कर देंगे, तो इससे क्या होगा इसमें थिकनेस आ जाएगी। कुछ कटे हुए लहसुन आप ऊपर से ऐड कर दीजिए, इसका स्वाद और बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स तैयार है, अब हम गर्मा गर्म परोसते हैं। फ्रेंड्स सोया चिली तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ या पराठा या पूरी आप जिसके साथ भी पसंद करते हैं आप खा सकते हैं। ये बहुत ही प्रोटीनियस डिश है। लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। और 3 स्टेप है, मैं हर बार बोलती हूँ प्लीज कर दीजिएगा, और मैं इसको एंजॉय करने जा रही हूँ। बाय बाय।